ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बदायूं में दो बेटों की हत्या के मामले में कार्रवाई से असंतुष्ट पिता ने आत्महत्या की कोशिश की है। नाराज पिता ने पुलिस से हत्या के पीछे की वजह पता लगाने की गुहार लगाई थी और मामले की जानकारी न मिलने से परेशान शख्स ने पहले अपनी बाइक को आग के हवाले कर दिया और कार को जलाने की कोशिश की है। साथ ही विनोद कुमार ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने विनोद को बचा लिया। हालांकि घटना के बाद में थाना अध्यक्ष गौरव विश्नोई ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर समझाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि 19 मार्च को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुंदर नगर बाबा कॉलोनी में ये घटना हुई थी जिसमें दो बच्चों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि एक का एनकाउंटर कर दिया गया है आरोपी का और दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी परिजन असंतुष्ट नजर आ रहे हैं कार्रवाई से और नाराज पिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हम कैसे जिए, हमारे बच्चे कपड़ा लेके आए तो देख रहे हैं हमारी शादी फट रही है, ऐसे आग लग रही है, हमें रात को नींद नहीं आ रही, हमारे बच्चे कैसे क्यों काटे। भैया सुनो, मुठभेड़ कुछ भी सही, हमें कोई मतलब नहीं उससे, नाम ध्यान है, मगर हम अपने दिल की बता रहे हैं, हमें चैन नहीं है, हम बेचैन है, हमारा दिमाग ही खराब है। कोई मीडिया वाला आए कुछ 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 कहते हैं, कुछ निकलती है कुछ नहीं, हमारा दिमाग ही खराब है। आपको पता है ना, खाना है ना ढंग से पानी है, हम जानते हैं कैसे अपने दिल को कैसे तसल्ली करते हैं, हम क्या जानते हैं। कोई लगाया आग तो मेरी लगी गई, आग तो उसने लगा दी मगर पहले ही से। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता चित्रंजन जुड़ गए हैं। चित्रंजन, 48 घंटे के अंदर कार्रवाई की गई थी इस पूरे मामले में, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार वाले काफी ज्यादा असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मांग है परिजनों की? लगातार अपनी मांग कर रहे थे और वो पुलिस से नाराज थे। पुलिस का जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बात कर रही थी कि वो जो जारतों पे जाता था उस वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था वो थोड़ा मानसिक रूप से, मगर उस बात पे परिजन उनकी पुलिस की जो बात है वो जो पुलिस की थ्योरी है उस पे तैयार नहीं है और पुलिस से नाराज है सीधे सीधे, और वो सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। यूपी सरकार के यूपी के मुख्यमंत्री से भी यही मांग करी थी कि उनको सही न्याय मिले, मगर बदायूं पुलिस पे अब उन पे भरोसा नहीं है और वो चाहते हैं कि जांच उनकी बिल्कुल श्योर और श्योर हो। इस मामले में मजिस्ट्रेटी जांच भी बैठा दी गई है। मैं आपको बता दूं, कल फोर्स को हटा दिया गया था और थोड़ी फोर्स रह गई थी और इसी के चलते ये पूरी घटना हुई है और पुलिस की इसमें अभी तक की लापरवाही सामने आ रही है क्योंकि वहां पर फोर्स नहीं थी और परिजन मांग कर रहे थे। पर जो मृतक है इनके विनोद के पिता हैं, विनोद हैं, इन्होंने पहले भी इस बात को कहा था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरी जांच सही नहीं होती और मुझे न्याय नहीं मिलता है। इसी के चलते उन्होंने अपनी बाइक में आग लगा ली और स्वयं को आग के हवाले करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि वो बच गए और इस मामले में मौके पर फायर ब्रिगेड जब पहुंची है तब बाइक में आग बुझाई है। फिलहाल पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है मगर परिजन अभी भी नाराज है। चित्रंजन, साजिद को पहले ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, इसके अलावा जावेद की बात करें तो जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया, दो आरोपी बताए जा रहे थे, लेकिन अब परिवार वालों की मांग क्या है क्योंकि आरोपी के परिजनों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई थी? परिजनों पर मांग करी गई थी मगर एनकाउंटर, उनका यह कहना था एनकाउंटर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इस बात की वजह पता करना चाहिए, हमें इस बात का वजह पता हो कि पुलिस बताए कि आखिर उन्होंने दो मासूमों की हत्या क्यों करी। सिर्फ सवाल उनका यही है कि एनकाउंटर से हमें नहीं है, हमें सिर्फ न्याय से मतलब है, न्याय मिले, सही न्याय मिले, जिसने मारा था उसको तो मार दिया मगर जो चीज थी जो जिस वजह से उसने घटना को अंजाम दिया था जिसने, वो मूल वजह पुलिस अभी भी बताने तो हत्या के पीछे जो वजह पुलिस की तरफ से बताई गई थी उससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं परिवार वाले और इसी को लेकर मांग की जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका।